ग्यारहवीं राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को राजधानी देहरादून में विधिवत समापन हो गया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र सिंह सिद्धू पहुंचे थे। आपको बता दें कि 17 नवंबर से 20 नवंबर तक राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। देहरादून में चल रही 11वीं राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। इस बार खेलकूद प्रतियोगिता में पुरुषों के ओवरऑल मुकाबले में देहरादून पुलिस की टीम पहले स्थान पर रही। वहीं महिलाओं की ओवरऑल प्रतियोगिता में 31वीं वाहनी पीएसी रुद्रपुर की टीम पहले स्थान पर रही है। प्रतियोगिता के समापन समारोह में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र सिंह सिद्धू मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। साथ ही अपर महानिदेशक अनिल रतूड़ी, आईजी लॉ एंड ऑर्डर राम सिंह मीणा, आईजी पीएसी दीपम सेठ भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू ने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी और उन्हें अगले वर्ष और ज्यादा नए कीर्तिमान बनाए जाने के लिए भी प्रेरित किया। वहीं डीजीपी ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कई कार्य किए जाएंगे और कहीं भी वित्तीय समस्याएं आड़े नहीं आएंगी। समापन समारोह में देहरादून पुलिस के बैंड की धुनों पर खिलाड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट भी किया, जिसकी सलामी डीजीपी वीरेंद्र सिंह सिद्धू ने ली। राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन के मौके पर पहुंचे पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कई योजनाएं अमल में लाई जाएंगी, साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए शासन से बात भी की जा रही है। वहीं उनका कहना था कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत है उन्हें सही तरीके से सही पटल पर पहुंचाने की। नोएडा में मेट्रो ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले दो महीनों से सिटी सेंटर के प्लेटफॉर्म नंबर 174 में दरार आने के चलते सिटी सेंटर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 कार्य से बाधित था, जो कि अब सुचारू रूप से चालू हो गया है। नोएडा के सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 174 में बीती 13 सितंबर में दरार आई थी, जिसकी वजह से सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मेट्रो का आवागमन बंद कर दिया गया था और साथ ही पिलर को साइड सपोर्ट भी दी गई थी, जिसकी वजह से मेट्रो सिटी सेंटर पर अपनी रफ्तार से नहीं चलती थी और यात्रियों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ता था। पिछले दो महीनों से इस पिलर की मरम्मत का कार्य चल रहा था, जो कि अब पूरा हो गया है, जिससे एक बार फिर मेट्रो सिटी सेंटर पर अपनी रफ्तार में दौड़ती नजर आई और लोगों ने भी राहत की सांस ली। गौरतलब है कि पिछले दो महीनों से सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पिलर के सही होने के चलते अब यात्रियों की परेशानी भी खत्म होती नजर आई। पिथौरागढ़ जिले के राठी गांव से धारचूला जा रही एक जीप खाई में जा गिरी। जीप में कुल 22 लोग सवार थे, जिनमें से 16 की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हैं। धारचूला के दोबाट इलाके में एक जीप दर्दनाक हादसे का शिकार हुई। जीप में सवार 22 लोगों में से 16 की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में चल रहा है, जबकि 2 गंभीर घायलों को पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय से हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। जीप में सवार अधिकांश लोग राठी गांव और उसके आसपास के इलाके के हैं। दुर्घटना की वजह जीप में ओवरलोडिंग बताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत इलाकों में ओवरलोडिंग की समस्या काफी पुरानी है। इन इलाकों में आरटीओ विभाग का कोई भी नियंत्रण नहीं है, जिस कारण यहां आए दिन दर्दनाक हादसे प्रकाश में आते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और हैवानों की दरिंदगी का शिकार छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला प्रतापगढ़ का है, जहां एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। जब उसने इसका विरोध किया तो उसको जलाया गया, जहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने भी इस मामले में खूब खेल किया और आरोपी को अब तक गिरफ्तार न कर सकी। फिलहाल जहां पीड़िता की मौत हो गई है, वहीं पुलिस की निष्क्रियता के कारण आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अगर हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों पर गौर करें तो नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 2000 मामले ऐसे हुए हैं। ये मामले जहां उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं, वहीं राज्य महिला आयोग की संजीदगी पर भी सवाल उठाते हैं। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने बिजली विभाग के गार्ड को गोली मारकर 38 लाख रुपए लूट लिए। बस बदमाशों के हौसले बुलंद और पुलिस पर। आज बदमाशों ने गाजियाबाद के लोनी इलाके में बिजली विभाग का कैश लूट लिया। लोनी के रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र में आज दो बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया।
बिजली विभाग का कैशियर ड्राइवर व गार्ड के साथ बैंक में कैश जमा कराने जा रहा था, तभी बिजली घर से 200 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने कार रोकी व 38 लाख रुपए कैश लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने गार्ड के सिर में गोली मार दी। घटना के बाद एसएसपी ने इलाके के चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं वारदात के बाद बिजली विभाग के अधिकारी दहशत में हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक फ्लैट से मिली 3 लाशों ने सनसनी फैला दी है। तीनों की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। लाश के पास से एक तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल को दहला देने वाली ये वारदात इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अहिंसाखंड इलाके की है। यहाँ ऑरेंज काउंटी सोसाइटी के एक फ्लैट में हैंडलूम कारोबारी अंकुर गुप्ता अपनी पत्नी सारिका, 10 वर्षीय बेटे पार्थ और छोटे भाई अंकुश के साथ रहते थे। देर रात करीब 12:30 बजे अंकुश जब जॉब से घर वापस लौटा तो अंकुर, सारिका और पार्थ की खून से लथपथ लाशें कमरे में बेड और उसके आसपास पड़ी हुई थीं। पुलिस ने घटनास्थल से तमंचा और उसके साथ एक कारतूस और 3 खाली खोखे भी बरामद किए हैं। पुलिस का मानना है कि अंकुर ने पहले अपनी पत्नी और बेटे की हत्या के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालांकि घटनास्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बावजूद इसके पुलिस इस पूरे मामले को पारिवारिक कलह का नतीजा मानकर जांच कर रही है। हालांकि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बड़ी गहनता से मामले की जांच में जुट गई है। बरेली के भोजीपुरा में आज उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां एक राइस मिल का बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विक्रमलवा और अस्पताल में भर्ती मजदूरों की हालत को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। दरअसल भोजीपुरा के नेशनल राइस मिल में उस वक्त जबरदस्त धमाका हुआ जब मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान बॉयलर फटने से मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को SRMS मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जहां 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बहरहाल हादसे के बाद पहुंचे अधिकारियों की माने तो हादसे की जांच कराई जाएगी और जांच में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुशाल के बिग बॉस से घर से बेघर होने के तुरंत ही बाद ही उनके वापसी होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब हम आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में कुशाल वापसी कर रहे हैं। लेकिन वो 2 हफ्ते पहले ही बिग बॉस के घर में वापस जाने वाले थे, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से ऐसा हो ना सका। बिग बॉस के घर से बेघर हो चुके कुशाल टंडन की बिग बॉस में वापसी कर सकते हैं। हाल ही में एंडी के साथ हिंसा करने के आरोप में उन्हें इस घर से बेघर कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले काफी समय से कुशाल टंडन और शो के होस्ट एक्टर सलमान खान के बीच अनबन की खूब खबरें चर्चा में थी। कुशाल के बयान को मरोड़कर पेश किया जा रहा था जिससे मतलब ये निकल रहा था कि सलमान इस विवाद को कैश करने में लगे हैं। कुशाल की एंट्री से शो से पहले जैसी एनर्जी वापस आने की उम्मीद है। वैसे जिन्होंने गौर न किया हो तो उन्हें बता दे गौहर पिछले कुछ दिनों घर में गाना गाती हुई नजर आ रही थी, मेरा सामान तुम्हारे पास पड़ा है। जाहिर है उनका इशारा कुशाल की तरफ था। आखिरकार बिग बॉस ने गौहर की ये विश पूरी कर दी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेते ही मुंबई के खूनहार खिलाड़ी ने उनकी याद ताज़ा कर दी। रिजवी स्प्रिंगफील्ड के एक 15 वर्षीय छात्र ने 546 रनों की पारी खेली। रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल के 15 वर्षीय छात्र पृथ्वी शॉ ने हैरिस सिल्फील्ड मुकाबले में 546 रनों की पारी खेली। इस पारी के साथ ही पृथ्वी ने मुंबई के क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए स्कूली क्रिकेट में सबसे बड़े निजी स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले स्कूली क्रिकेट में सबसे बड़े निजी स्कोर का रिकॉर्ड मुंबई के अरमान जाफर के नाम था। अरमान ने जाइल्स शील्ड में 498 रनों की पारी खेल के रिकॉर्ड बनाया था। पृथ्वी रिजवी स्प्रिंगफील्ड के स्कूल के कप्तान होने के साथ ही मुंबई के अंडर-16 टीम के कप्तान भी हैं। पृथ्वी 3 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और पिछले 3 सालों में स्कूली क्रिकेट में इन्होंने 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं। टीम इंडिया टेस्ट सीरीज पर क्लीन स्वीप करने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन कप्तान धोनी कैरेबियाई टीम को किसी भी हालत में हल्के में नहीं आंकना चाहते हैं। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली जीत के बाद गुरुवार से शुरू हो रही वनडे सीरीज में मेहमान टीम को कमजोर आंकना गलत होगा। भारत ने टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज की थी, लेकिन धोनी ने कहा है कि ये स्कोर लाइन हासिल करना आसान नहीं होगा और वनडे प्रारूप में वेस्टइंडीज के क्रिकेटर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वेस्टइंडीज की टीम काफी अच्छी है, वनडे में अलग टीम है और जहां तक 50-50 ओवरों की बात है
तो वो इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वेस्टइंडीज का प्रदर्शन टेस्ट में खास नहीं रहा, लेकिन वनडे सीरीज में कैरिबियाई टीम एक बार फिर से वापसी कर सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस सीरीज में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज की तरह ही स्कोर देखने को मिलेंगे। उंगली खुजली ने प्लान बनाया कृति और पाइप दबाया। रिफ्रेशिंग मिनी गम आईली क्या उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखो। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार और हड़तालियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी रही बेनतीजे। आवश्यक सेवाओं में बाधा नहीं पहुंचाने का फैसला। सरकार ने गठित की 3 सदस्यीय कमेटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की राज्य सरकार को लगा झटका। टीजी मेरिट के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का दिया आदेश। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका। नौकरानी की हत्या मामले में सबूत मिटाने का है आरोप। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने तेज की योग गुरु बाबा रामदेव की घेराबंदी। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट पर हरिद्वार में बेनामी संपत्ति सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दर्ज किए 81 मामले। आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम को दी नरेंद्र मोदी की सुपारी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर। सीक्रेट नोट में मोदी पर खतरे का जिक्र। चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच चल रही रस्साकशी के दौरान सरकार ने घोषित किया गन्ने का नया समर्थन मूल्य। अब अज्ञाति प्रजाति के लिए 290 रूपये प्रति सामान्य प्रजाति के लिए 280 रूपये प्रति क्विंटल है। प्रतापगढ़ में रेप का विरोध करने पर जिंदा जलाई गई छात्रा की अस्पताल में मौत। अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया आरोपी। पिथौरागढ़ के दोबाग के पास खाई में जा गिरी बोलेरो। हादसे में 15 लोगों की मौत और 6 लोग घायल। मुंबई के 14 साल के बल्लेबाज पृथ्वी शाह ने एक पारी में 546 रन बनाकर कायम किया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्कूली क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने पृथ्वी। और टेस्ट मैच से रिटायरमेंट के बाद छुट्टी मनाने देवभूमि पहुंचे सचिन तेंदुलकर। मसूरी में 5 दिनों तक परिवार के साथ बात करेंगे क्रिकेट के भगवान। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों को मनाने की कवायद में जुटी सरकार आज भी असफल रही। प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार और हड़तालियों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। दूसरे दौर की बातचीत मुख्य सचिव जावेद उस्मानी के निर्देश के बाद हुई, लेकिन यह बैठक भी पहले दौर की तरह ही रही। यानी राज्य कर्मचारियों की महाहड़ताल जारी रहेगी। हालांकि सरकार के विशेष अनुरोध पर आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं करने का फैसला लिया गया। वहीं हड़ताल को समाप्त करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव कार्मिक इसके सदस्य होंगे। समिति 3 महीने में अपनी संस्तुति देगी और साथ ही सरकार ने हड़ताल खत्म करने की अपील की है।
16 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताली कर्मचारी पिछले 9 दिनों से काम नहीं कर रहे हैं और इस दौरान सरकार को अरबों रुपए का राजस्व का नुकसान भी हो चुका है।